जॉइंट पेन में भी देखिए काफी सारे कॉजेज रहते हैं. देयर इज इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन, देयर इज डिजेनरेटिव जॉइंट पेन. इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ आमक जो टॉक्सिन्स रहते हैं. दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज एसिडिक टाइप ऑफ टॉक्सिन, वन इज नॉन एसिडिक. सो बोथ विल रिक्वायर डिफरेंट मैनेजमेंट. And then degenerative changes, they require more regenerative therapies. Also, we have some additional external application treatment protocol in this, and also some internal detox. ताकि हर महीने detox होता है और toxins जो है दोबारा resurface ना करें body में. And again, just like diabetes, there are many experts which come into the picture. There is also a nutrition plan for joint strengthening. There is a yoga coach who will guide how to strengthen the muscles around the joint. अगर knee joint में pain है तो आपका काफ और हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स, ये तीन मसल्स को अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे तो जॉइंट, नी वाला जॉइंट थोड़ा और फ्री हो पाएगा. सो वो शास्त्र में जो कॉज लिखा ही है और जो प्रैक्टिकली जो पेशेंट आ रहा है हमारे पास वहाँ पर क्या कॉजेज कर रहे हैं और उन कॉजेज को एड्रेस करने के लिए देन वी हैव क्रिएटेड सम एडिशनल सर्विसेज अलॉन्ग विद द इंटरनल मेडिसिन. तो अगर हम just quickly going through that, we have created different protocols. We were the first one in Ayurveda to create protocols of diagnosis in Ayurveda. अगर आप एक बीमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं तो हो सकता है चार डॉक्टर चार अलग डायग्नोसिस आपको करके दें and you get confused. So we have created a protocol ताकि जो शास्त्र में knowledge है उसको हम कंप्यूटर के अंदर लेकर आएं, which acts as a support system for the doctor and the diagnosis is appropriate and pinpointed. जब डायग्नोसिस सही रहता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट में जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. रिसर्च दैट वी हैव डन एंड द प्रोटोकॉल्स साइड. सो आई क्विकली रन थ्रू दिस एंड कम टू द इंपैक्ट ऑफ आवर डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो ये लगभग 4 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. रिड्यूस्ड HbA1c आफ्टर द 4 मंथ प्रोग्राम. तो HbA1c एक मेन टेस्ट होता है डायबिटीज के अंदर जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल जिससे हमें पता चलेगी. आप अपना शुगर अभी कराएं अलग आएगा, कल सुबह कराएं अलग आएगा, परसों कराएं अलग आएगा. बट HbA1c gives an average for 3 months and this average is prepared. जब हम अपना मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, योगा पेशेंट को ऑनलाइन कराते हैं और जो चीजें गलत कर रहा था वो सब फिक्स कराते हैं तो विद इन 7 days वी सी दैट 80% ऑफ पेशेंट हैज. इसी को कंटिन्यू करना है और मॉडिफिकेशंस की क्या जरूरत है. Average weight reduction in the program was 3.8 kgs. This is average. किसी का 10 भी हुआ है, 12 भी हुआ है. कुछ weight कम के patients भी थे, already weight loss है उनका, जिनको weight gain करना है. तो weight एक बहुत common समस्या है diabetes में, क्योंकि fat tissue A1C जो कम हुआ, it was 6.7 within 4 months, which was a great success. The patient came with a HbA1c of more than 12, और after the end of the program he was around 6.5. और अभी जो उनका HbA1c है इट इज 5.5 और उनकी सारी दवाइयां भी बंद हो चुकी हैं. ऑन एनीबडी पेशेंट एंड इज HbA1c इज बिलो 6 इवन Ayurveda. यू आर स्टिल नॉट अंडरवेट. देयर आर टू थिंग्स. इफ यू आर ऑलरेडी स्पेशली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज. एक टाइप 2 है, टाइप 1 होता है व्हिच इज इंसुलिन डिपेंडेंट. वहां पर पेशेंट इज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट आफ्टर 4 months of managing the program. तो इन 4 महीने के दौरान there is a whole behavioral change that happens. पूरी जो अब तक जो गलत हैबिट्स चल रही थी कि सुबह खा लिया या रात को गलत खा लिया, जैसे हमने इस पेशेंट में भी देखा कि सुबह ब्रेकफास्ट के साथ दूध चल रहा है, a common wrong practice. कई बार रात को बहुत लेट डिनर होता है, 9-10 बजे खा के and then patient immediately goes to sleep. दिन में भी कुछ पेशेंट्स होते हैं, they are at home. So they are at the end of 4 months. Excuse me sir. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट है और अभी उस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च, जैसे अभी हमने दिखाया है बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो बॉडी के अंदर. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड अगर हिटिंग है नेचर में तो वो भी आपकी डायबिटीज बढ़ाएगा. सो इट इज इवन स्पीच जस्ट नाउ दैट जीवा और यू हैव कंडक्टेड आई डोंट नो दैट इज जीवा और सम अदर ऑपरेशन दैट देयर इज lot of research which has been is a important factor for the disease. So our research is mostly to prove the Ayurvedic concepts that are already mentioned. जैसा भी सर ने भी कहा कि mind related causes अब बहुत बढ़ गए हैं जो relatively पहले could be because of your metabolic system also. आपका वो अग्नि तो कम है पर खाना आप heavy खा रहे हैं. So there are 18 types of incompatibilities. So the most important is the food-to-food incompatibility that we should understand. सर बताएंगे न्यूरोपैथी डिवर्स हो जाती है क्या? देखो क्योर शब्द जो है ना वो बहुत भारी शब्द है, न्यूरोपैथी जो प्रॉब्लम रहती है, मैं वही बता रहा हूँ कि पहले तो क्योर शब्द गुड थिंग इज, क्योंकि आपको अगर समझ आ गया तो जो भी मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं आपकी हम लोग उस तरह का हमारे बिलीफ सिस्टम या हमारा जो आयुर्वेद का जो साइंस है वो अलग तरीके से।